ऑल राइट, हे गाइस, आप सबका वेलकम है मेरे इस ट्यूटोरियल में। और आज जो मैं बात करूंगा आपसे वो है मेरे 10K फायरवर्क्स प्रोजेक्ट की। और वो कुछ ऐसा आर्ट वर्क है जो आपने इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा, मैं अपलोड कराया अभी 12 बजे। अभी तो ये ट्यूटोरियल थोड़ा पहले बना रहा हूँ मैं। आपके एक्सप्लेनेटरी के लिए सारी चीजें इस बार रिक्रिएट करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये 10K स्पेशल है और इसमें सारे स्टेप बताऊंगा मैं आपको A to Z कि आप कैसे कर सकते हैं और कैसे कहाँ से कोई चीज को अचीव कर सकते हैं, लाइक बेस टू ऊपर तक। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ BG है और ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा फोल्डर में जो 10K स्पेशल का है। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं जल्दी से जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आप भी क्रिएट कर सकते हैं ऐसा ऑसम आर्ट। तो सबसे पहले यहाँ मैं फोटो में देख लेता हूँ कि मैंने क्या क्या कर रखा था, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहले यहाँ मैंने अपने आप को सब जगह इंपोर्ट कर रखा है, तो इस चीज को हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो यहाँ स्काई इंपोर्ट हो गया है। ठीक है, स्काई की मैं PNG आपको दे दूंगा और कोई इश्यू नहीं रहेगा कि आपको कहाँ डालना है, कहाँ आप डाल सकते हैं, तो इजीली आप कहीं भी डाल सकते हैं इसे। ठीक है, स्टोन भी है और ये भी फ्री है, एक सीधी PNG है, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद इम्पोर्ट करता हूँ मैं अपने आप को। ठीक है, यहाँ तक तो सब इजी है, हर कोई कर सकता है। अगर आपको कटआउट नहीं आते हैं तो आप मेरे ट्यूटोरियल चेक कर सकते हैं, हेयर कटिंग ट्यूटोरियल है, उसमें बहुत ही डेप्थ में मैंने 17 से 18 मिनट लगाए हैं और वो बहुत ही एक्सप्लेन ट्यूटोरियल है जिसमें आप समझ सकते हैं बेसिक्स जो कोई दूसरा आर्ट में आपको नहीं बताएगा। लाइक मैंने बहुतों के ट्यूटोरियल देखे हैं, वो नहीं समझाते, इस चीज़ पे फोकस बिल्कुल नहीं करते हैं, तो आप वो जरूर वॉच करें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आता हूँ मैं कलर लुकअप पे, तो इसे डिलीट कर देता हूँ एक बार, फिर से डालता हूँ। तो यहाँ है ये ऑप्शन एडजस्टमेंट का। अगर आपका ऐसा वर्क स्पेस नहीं आ रहा है तो आप यहाँ क्लिक करके फोटोग्राफी पे क्लिक करेंगे तो आपका ऐसा वर्क स्पेस आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला आपका बाय डिफॉल्ट एसेंशियल्स पे रहेगा, तो आपको फोटोग्राफिक पे लाना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये फोटोग्राफिक मोड हो जाता है जिसमें थोड़े आपके टूल्स कस्टमाइज करने के लिए सामने सामने आ जाते हैं, वैसे अंदर अंदर रहते हैं कि आपको यहाँ जाना पड़ता है, यहाँ जाना पड़ता है, तो इस चीज से बचने के लिए यहाँ पे है। तो यहाँ से आप कलर लुकअप डाल सकते हैं। कलर लुकअप में आपने नाइट चुनना है, नाइट फ्रॉम डे। ठीक है, और इसकी ओपेसिटी कर देनी है आपने 65, बहुत सडल होती है और अच्छी रहती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं हम अपनी PSD में। तो यहां तक तो हम पहुंच गए हैं। अब एक और है यहाँ एक्सपोजर क्लियर। ठीक है, तो ये भी दिखाता हूँ मैंने कैसे कर रखा है, जस्ट डाउन 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 कर रखे हैं इसमें। तो एक्सपोजर की मुझे यहाँ क्या जरूरत थी, एक्सपोजर की मुझे यहाँ इसी ये जरूरत थी कि जब कोई चीज होती है पूरी, अगर आप इसमें ब्लैक एंड व्हाइट करके डालेंगे तो आपको ये चीज स्टैंड आउट दिखेगी अलग से। इसको ऊपर कर देता हूँ, तो ये चीज आपको अलग से दिखेगी, तो ब्लैक एंड व्हाइट लेयर से ये भी पता चलता है कि आपकी चीज में क्या ब्लेंड नहीं है। ठीक है, तो हर पॉइंट पर आप इसे जरूर चेक करें, और फिर जहां भी आपको कम ज्यादा करना हो, लाइक जहां आप सेटिस्फाइड हो पॉइंट पे, कि हाँ इतना पॉइंट सही है, तो आप वहां पे डन कर सकते हैं। लाइक ये पॉइंट बिल्कुल परफेक्ट है, तो आफ्टर एंड बिफोर में आपको बहुत फर्क दिखा होगा। और सबसे मेन बात, वो जमीन से बिल्कुल अच्छे से लिंक्ड टाइप से है। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ अभी कुछ ऐड नहीं है, तो ये फायरवर्क है, फायरवर्क्स की मैंने PNG शेयर कर रखी है, तो इसे मैं डायरेक्ट ही डाल देता हूँ, नहीं तो इसे बनाने में बहुत ही टाइम लगेगा ज्यादा।
इसकी पीएनजी मैंने ग्रुप में शेयर कर रखी है, तो आप वहां से निकाल सकते हैं। मैंने डायरेक्ट इंपोर्ट कर दिया है कि मुझे ज्यादा वर्क ना करना पड़े, कि बार बार ये सब पीएनजीज हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ स्क्रीन लेयर पे है, ये सब स्क्रीन स्क्रीन है, बस जस्ट वही कर रखे हैं। और कुछ पीएनजीज मैंने उठाई हुई हैं कहीं कहीं से स्क्रीनशॉट करके, तो वो मैंने आपको एक में मर्ज करके दे रखी है, जिससे आपको इजी रहेगा और आप कटआउट कर सकते हैं इजीली वहां से। तो इसे नेम कर देता हूँ मैं फायरवर्क, कि आपको समझ आता रहे। और ये ब्लैक, और यहाँ मॉडल एक्सपोजर, ठीक है। अब इसके बाद मैंने यहाँ ऐड करा था एक बलून, हॉट एयर बलून था ये, और जस्ट इसको यहाँ मैंने प्लेस कर रखा था कि मेरे को सही लगे जहां भी पॉइंट हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक सैंपल कर लेता हूँ कलर, या स्टैम्प से भी काम चल जाएगा। ब्रश लेके क्लिक करेंगे जब आप यहाँ पे इस लेयर पे, तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट से हट जाएगा, ठीक है। फिर स्टैम्प लेना है अपने, और यहाँ से ये स्लोली स्लोली सारे हटा देना जो लिखा हुआ है। ये शायद मैं ऐड करना भी भूल गया था पीएनजी, तो ये पूरी रिमूव्ड वाली मैं ऐड कर देता हूँ अभी पीएनजी। तो यहाँ ये पूरा अच्छे से हो गया, इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ पीएनजी में, कि आपको प्रॉब्लम ना हो। हॉट एयर बलून, सो यहाँ पे ये हॉट एयर बलून ऐड हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, ऑल्ट प्रेस करके ब्लैक वाली लेयर को फिर से उठा के यहीं डाल देता हूँ, और इसके ऊपर डाल देता हूँ कि मुझे सेम ब्लैक चाहिए जैसा मैंने पूरे इन्वायरमेंट में दे रखा है, ठीक है। तो अब एक यहाँ रीजन ये है कि आप देख सकते हैं लाइट इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, लेकिन इधर की आई नहीं है अभी पूरी। तो लाइट एट दी एंड में भी ड्रॉ करूंगा, पहले यहां से देख लेता हूँ मैंने क्या कर रखा है। तो यही मैंने यहाँ कर रखा है, देख सकते हैं आप एक्सपोजर, और यहाँ पे मैंने कुछ ज्यादा कर रखा है एक्सपोजर, इसमें थोड़ा कम लग रहा है, तो इसे बढ़ा देते हैं 100, ठीक है। और फिर यहाँ मैंने ग्लो क्रिएट करा है, और फिर इसके ऊपर बॉडी के ऊपर है ग्लो, और फिर यहाँ पे, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले यहाँ मुझे ग्लो क्रिएट करना है, तो ब्रश लेना है मुझे, ठीक है। ऑल्ट प्रेस करना है यहाँ से ये, और इजिली मुझे थोड़ा थोड़ा पेंट करना है, क्लिप करके ऑल्ट दबा के प्रेस करके करें, नहीं तो वो जैसे अभी बाहर आया था तो वैसे ही बाहर आ जाएगा फिर से। ठीक है, और अब यहाँ पे जो कलर आएगा, वो कुछ ऐसा ही आएगा, वैसे मैंने इधर डाला कौन सा है कलर, ब्लू है वहां पे। सो ये परफेक्टली ब्लेंड हो चुका है अब अच्छे से, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैंने अगला स्टेप कर रखा है यहाँ ग्लो और सेंटर ग्लो, तो ये भी कर देते हैं जल्दी से। सो यहाँ एक कर्व लेता हूँ, कर्व इंक्रीज कर दीजिए जहां तक आपको चाहिए, आपको जितना ग्लो चाहिए,
तो लाइक इतना कर लेता हूँ मैं और फिर इन्वर्ट कर देता हूँ, और फिर यहाँ वाइट पेंट करूंगा मैं अच्छे से। तो वहां आप देख सकते हैं कितना प्यारा ग्लो क्रिएट हो गया। उसके बाद एक लेयर क्लिप करूंगा और फिर इसमें वाइट कलर लूंगा मैं यहां से, ठीक है, वाइट कलर से, और इसको ओवरले में टर्न करूंगा और यहाँ थोड़े 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 डॉट्स, जिससे एक पार्ट ग्लोइंग लगे ये थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं, आप दूर से देखने पे वो ऐसा लग रहा है कि अंदर ग्लो है उसके। तो मुझे बस यही अचीव करना था कि जो भी यहाँ टेक्स्ट लिखा जाएगा वो सेम ऐसा ही होना चाहिए बाहर के जैसा, तो इसलिए मैंने वहां कर रखा था। और यहाँ ये ग्लो बिल्कुल थोड़ा सा अलग है, यहाँ से अलाइनमेंट शायद इधर इधर हो रखा है ये, कोई नहीं इतना चलता है। उसके बाद फिर मैंने अपने ऊपर लाइट ड्रॉ कर रखी है, तो अपने ऊपर भी कर लेता हूँ मैं जल्दी से लाइट ड्रॉ। और यहाँ आता हूँ मी पे, एक न्यू लेयर, और यहाँ ये क्लिप जस्ट ऑरेंज कलर की लाइट होगी। तो यहाँ मैं दो फैदर का रेडियस पे ब्रश ले लेता हूँ और जस्ट धीरे 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 अच्छे से पेंट कर देता हूँ अपने आप को। वैसे रिम लाइट का ट्यूटोरियल है चैनल पे, तो आप वो भी रेफर कर सकते हैं, आपको इजी पड़ेगा और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। सो यहाँ रिम लाइट क्रिएट कर दी है मैंने अपने आपकी अच्छे से, और यहाँ थोड़ा पर्ज कर देता हूँ, फोटोशॉप हैंग होने लग रहा है मेरा। अब उसके बाद यहाँ नीचे ग्लो क्रिएट कर रखा है और यहाँ इसके अंदर, तो यहाँ नीचे ग्लो क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ एक लेयर बनानी पड़ेगी, इजी कोई सी भी लेयर आप ले सकते हैं, ब्रश, और फिर वहां धीरे धीरे आप पेंट कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखें जब आप यहाँ पेंट करें तो ऐसे ही ना करें, बिल्कुल सिंपल, थोड़ा थोड़ा फैदर भी करते रहें, नहीं तो वो ऑड सा दिखेगा। फिर यहाँ जो भी आपको लगे, तो यहाँ थोड़ा थोड़ा मैंने रिम लाइट क्रिएट कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे ये ब्रश से पेंट कर देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ टेक्स्ट डालना है मुझे, थोड़ा सेंटर ग्लो रहेगा। तो आप देख सकते हैं सिंपल सिंपल टैप से ही मैं क्रिएट कर दे रहा हूँ वहाँ पे ग्लो, तो इजी ग्लो वहाँ क्रिएट हो चुका है। अब उसके बाद थोड़ा एक और लेयर रिंग ऐड करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो रिंग बहुत ही इजी थी बनानी, इतनी मुश्किल नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। सो न्यू लेयर, और उसे ग्रुप कर देता हूँ मैं, नेम कर देता हूँ रिंग, इजीली समझ में आए। तो सबसे पहले यहाँ आपको पेन टूल लेना है, पेन से यहाँ एक रोप बनानी है, स्ट्रोक करना है पाथ, और
ये थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे 2 का पिक्सल का रेडियस लेके करते हैं और एक्सप्रेस करके यहाँ ब्लैक कलर ले लेते हैं। स्ट्रोक पाथ, ओके, और फिर यहाँ डिलीट कर देते हैं पाथ। तो आप देख सकते हैं वहां एक अच्छी सी रोप क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब उस रोप के नीचे कुछ मुझे रिंग चाहिए, तो रिंग मैं कोई से भी कलर की ले रहा हूँ, अभी ऑरेंज की बना देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे तो एक गोला बहुत अच्छे से बनेगा, तो शिफ्ट प्रेस करके यहाँ मैं गोला बनाता हूँ सबसे पहले, और फिर यहाँ से स्ट्रोक कर देता हूँ, और ये एक डी सिलेक्ट, और ये आप देख सकते हैं रिंग अच्छे से क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब क्या पॉइंट होएगा कि मुझे कैसे कलर की रिंग चाहिए, तो ब्लैक कलर कभी अफेक्ट नहीं होता है HSL से, तो आप इजीली कोई भी कलर कर सकते हैं यहाँ पे। तो शायद ये वाला कलर था यहाँ पे जो मैंने यूज कर रखा है फोटो में। अब रिंग के आउटसाइड फ्यूम्स क्रिएट करनी है तो ब्रश ले आया मैंने, और फिर सैंपल कर लेता हूँ कलर। से आप देख सकते हैं कितने प्यार से रिम लाइट क्रिएट करनी पड़ती है और कितना टाइम लगता है एक एक ट्यूटोरियल बनाने में। इसलिए मैं नहीं बनाता फुल लॉन्ग ट्यूटोरियल, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगता है और कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आप वो कितना प्यारा ग्लो क्रिएट हो गया है, हार्ट लाइटनिंग विविड से हो जाएगा शायद, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ब्रश लेके ये ट्रेल्स कभी भी सेम नहीं बनती हैं, बहुत ही मुश्किल होता है और रेयर केसेस में होता है कि ट्रेल्स सेम बन जाए, तो ट्राई तो जरूर करूंगा मैं कि ट्रेल्स सेम रहे। सब कुछ हद तक सेम सेम हो गया है, इतना भी नहीं हुआ है लेकिन कह सकते हैं थोड़े हद तक। फिर उसके बाद यहाँ ओवरले में आना है अपने,
और फिर ब्रश को और छोटा कर देना है 2 रेडियस तक, और फिर सेंटर में फिलिंग करनी है इसके कि वो ग्लोई टाइप सा आए। आप देख सकते हैं कितना फर्क पड़ा है उससे। सो यहाँ ये रिंग कंप्लीट हो गई है जो बनाई है मैंने। अब ये 10K फॉलोवर्स हैं, तो 10K फॉलोवर्स वाला लिखा हुआ मैं ले लेता हूँ एक बार, क्योंकि लिखना दोबारा बनेगा नहीं मेरे से। So, यहाँ डायरेक्ट ऐड कर देता हूं मैं लिखा हुआ। ठीक है, अब उसके बाद इसे ग्रुप कर देता हूं, इसे 10K नाम दे देता हूं। एक ही बार में पूरा ट्यूटोरियल बनाना बड़ा ही मुश्किल है। 21 मिनट हो गए हैं, थोड़ा टाइम। ठीक है, उसी के बाद में इसकी 3-4 कॉपी बना लीजिएगा आप। ठीक है, और सबसे नीचे वाले पे आपको डालना है फिल्टर ब्लर, गाउसियन ब्लर 5 का, लाइक बेस, और फिर देखना कि इसमें अच्छा सा ग्लो आ रहा है। इसमें तो सॉफ्ट लाइट में सबसे पहला ग्लो आ रहा है शायद अच्छा सा। फिर उसके बाद दोबारा से जाना है और फिर फिल्टर ब्लर गॉसियन ब्लर, और यहां डालना है 20। अब 20 के बाद आना है पिन लाइट पे, तो आप देख सकते हैं वहां रेड कलर का थोड़ा सा ग्लो आया है। अब उसके बाद यहां से फिर से आपको करना है फिल्टर ब्लर गॉसियन ब्लर, इस बार थोड़ा ज्यादा। सो विविड लाइट सही लग रहा है यहाँ पे मुझे, तो विविड ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब इतना पार्ट हो गया है, इसमें थोड़ी और कोई चीज डाल रखी है मैंने शायद, हाँ लीनियर लाइट भी डाल रखी है विविड, ये लीनियर लाइट नहीं डाली थी मैंने, जस्ट उसे भी डाल देता हूँ। एक सौ 1% सेम नहीं बन सकता, लेकिन ट्राई जरूर करूंगा। उसके बाद यहाँ थोड़ा शॉर्ट में चेंज करी थी मैंने कि अच्छा लगे हो, तो ये कैसे करते हैं ये भी बताऊंगा मैं। सबसे पहले ये सारे मर्ज कर देता हूँ। अब यहाँ पे सैंपल लेना है अपने कलर का, ब्रश सैंपल, और फिर यहाँ अच्छे से पेंट करते जाना है। जैसे भी आपको टी शर्ट चाहिए, जैसी भी आपको बनानी है टी, लाइक जैसे मैंने बना रखी है, तो कुछ भी आप ट्राई कर सकते हैं अपने हिसाब से, लाइक ऐसे ऐसे, तो वो आप पे डिपेंड करता है। होली सोली मैं इसमें फिर से नहीं बनाना चाहता, फिर से इतने पचड़े में नहीं पड़ूंगा। आपको करनी है तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है, आप कर सकते हैं नहीं भी कर सकते। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ फॉग ऐड कर रखी है, तो फॉग यहाँ से उठा लेता हूँ मैं, क्योंकि ये फॉग नेट से ली थी मैंने।
तो इसे भी शेयर कर देता हूं। फॉग आने के बाद यहाँ पे एक डायरेक्ट लाइट क्रिएट कर रखी है जो वहां से मेरे पे पड़ रही है, तो जस्ट ये भी क्रिएट कर ही देते हैं। तो यहां से आपने सैंपल लेना है कोई सा भी कलर और कुछ ऐसा क्रिएट करना है आपने, ठीक है, और इसे सॉफ्ट लाइट में कर देना है। सॉफ्ट लाइट माइट बी नॉट वर्किंग सही से, पिन लाइट भी सही है। और फिर उसको थोड़ा सा अंडरलाइन लेयर से स्प्लिट कर दें कि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अब उसके बाद यहाँ कलर ग्रेड अप्लाई है और फिर जस्ट अपनी मैनिपुलेशन है थोड़ी, तो अब इसे मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ स्टैम्प लेयर क्रिएट हो गई है, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट कमांड ई, कई कई में शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल ई से भी होगा पीसी में, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले जो भी लुक चाहिए होगा आप वो चूज कर सकते हैं। तो ग्रीनिश टाइप थी फोटो और थोड़ा सा येलो, थोड़ा सा टेक्सचर और वाइब्रेंस, सो यहाँ कंप्लीट सी होती हुई लग रही है मुझे। लाइक पहले की तरह तो बिल्कुल सेम नहीं बनेगी लेकिन थोड़ा सा अलग रहेगा। और फिर यहाँ कलर एफएक्स निक कलेक्शन, उसके बाद यहाँ पे डालना है, सबसे पहले ही अप्लाई हो जाता है अपने आप वो फिल्टर, तो आप देख सकते हैं कितना फर्क आ गया है। अब उसके बाद ये सही है, इनफिल्टर प्रो कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं। हाँ सो इससे प्यारा सा ग्लो क्रिएट हो गया, तो इसे थोड़ा टाइम लगेगा कंप्लीट होने में प्रोसेस को, अपने आप वहां पे आप आ जाएगा। हाँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये आप आ गया है।
और फिर अपना लोगो इंपोर्ट कर देता हूं। डिवाइड से नहीं हो रहा। कलर ओके। सो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गई है फोटो। और जैसे मैं बताता था, मेरा कंप्यूटर हैंग हो रहा है और बहुत ही तगड़ा हैंग हो रहा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गई है फोटो। सो लाइक कुछ ऐसे ही आपको पूरा करना पड़ेगा रिक्रिएट फोटो को। और जस्ट यही स्टेप्स हैं, और ऐसे ही ऐसे ग्लो क्रिएट होता है, तो आप भी कर सकते हैं इजीली। सो थैंक यू गाइस यहाँ तक ट्यूटोरियल को देखने के लिए, और बहुत ही लेंदी हो गया ये ट्यूटोरियल। सो स्टे ट्यून्ड एंड पीस गाइस। सो ऑल राइट हे गाइस, आप सबको डाउनलोड में प्रॉब्लम होती है टेलीग्राम में, तो मैं वो बताने चाहूंगा। अगर आपके लिंक नहीं खुलती है, तो लिंक अगर नहीं खुलती है, आपको टेलीग्राम में जाना है। यहाँ से ऐप खोलनी है टेलीग्राम, ठीक है। और ये मेरा ग्रुप है जिसमें मैंने सारी PhD डाल रखी है, और इसमें आप देख सकते हैं 1400 से भी ज्यादा मेंबर्स हैं। यहाँ पे 1450 हो गए हैं, ठीक है। यहाँ आपको सबसे पहले जब आपकी ऐप खुलेगी तो ये सर्च बार दिख रहा होगा, तो इस पर क्लिक करना है आपने, और यहाँ मेरा नाम लिखना है सारवेंद्र, ठीक है। जब आप नाम लिख देंगे तो सबसे ऊपर मेरा चैनल आ जाएगा, आप उसे क्लिक करेंगे तो ज्वाइन का, और यहाँ नीचे ऑप्शन आएगा, यहाँ ब्रॉडकास्ट जहाँ लिखा है, और आप फिर ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम ट्यूटोरियल में। ये जस्ट एक्सप्लेनेटरी।